नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। एमपी के सिंगरौली जिले में विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग ने जुगाड़ का हद पार कर दिया। गांव में लो टेंशन की लाइन को पेड़ों पर बांधकर निकालने के बाद अब 11,000 वोल्ट वाली हाई टेंशन की लाइन को पेड़ में इंसुलेटर फंसाकर बांधना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पूर्व इसी तरह की लापरवाही की वजह से जंगली जानवर चीते की मौत हो गई थी। इसके बाद विभाग के कर्मचारी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों के लगातार शिकायत के बावजूद समस्याओं के समाधान की कोई पहल नहीं हुई है। अधीक्षण अभियंता अवनीश सिंह बोले, कठोर कार्रवाई होगी और गाइडलाइन जारी की जाएगी। 11,000 वोल्टेज की जो तार है हरे पेड़ों से बंधा हुआ है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? गीर का जंगल जो है काफी डेंस फॉरेस्ट है, जैसा कि अभी आपने संज्ञान में डाला कि एक स्पान का तार जो है कहीं पेड़ पे है और उसके पीछे का पोल जो है टूटा हुआ है और वी का काम झुका हुआ है। संभवतः किसी लाइन स्टाफ द्वारा जो है तत्कालिक रूप से, चूंकि जंगल की क्षेत्र की लाइन थी तो तत्कालिक रूप से चालू करने हेतु जो है उस लाइन को इंसुलेटर में बांध दिया है। ये आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चीज संज्ञान में लाई। मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए। क्या सर, जिसके द्वारा ये घोल पर है, जानकारी आपको मिली थी क्या इस संबंध में? जानकारी देखिए, होता क्या है, कोई भी क्षेत्र में लाइन फाल्ट होती है तो तत्काल रूप से सुधारने का अपने पास वो दबाव रहता है। इस क्षेत्र में ये चीजें थी, इसकी जानकारी हमारे यहाँ तक नहीं आया है। आपके द्वारा माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं इसको तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए जो है एक मामला सर बुधेला ही बताया जा रहा है, जहाँ पे सर चलते हुए लोगों के सर पे सब टच कर जाती है तार। ऐसे समस्त जो है जहाँ पे जिस भी जगह पे जिस क्षेत्र में इस प्रकार की है, पुरानी लाइनों के सुदृढ़ीकरण हेतु हम ऑलरेडी RDSS योजना में समस्त जगहों पर कार्य कर रहे हैं। हम शासन क्षेत्र में भी काफी इस योजना के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदलने का, नई केबलों से बदलने का, अगर स्पान पूरा लूज है तो उसके बीच में मिड स्पान पोल लगाने का, ये समस्त कार्य चल रहा है RDSS योजना के तहत। और इसमें निश्चित रूप से जो है ये सुदृढ़ करने के, इसके 2 साल इस योजना की जो है अवधि है वो 2 वर्ष की है। 2 वर्ष के भीतर हम सारे के सारे क्षेत्र में ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी हमारा खंभा झूला ना हो, लाइन झूली ना हो और खंभा कहीं टेढ़ा ना हो, टूटा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा।